हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं सिटी एस चैनल। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं, एकदम बिंदास झकास। आ जाइए, आपको एक प्रोग्राम दिखा रहा हूँ। ये सीएनसी का बता दूँ किसी चीज़ का ये प्रोग्राम है। देखिए यहाँ लिखा है एन10 सीटीएस। तो ये प्रोग्राम बनाया हूँ जो कि हमारी बीएमसी मशीन से एक पार्ट पे मिलिंग करते हुए सीटीएस लिखेगा। तो देर मत कीजिए, देख लीजिए। प्रोग्राम कुछ लंबा है बट प्रैक्टिकली देखिए, बहुत मज़ा आएगा। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए ये प्रोग्राम डाल दिए हमने, यहाँ प्रोग्राम पड़ गया और वर्कपीस नया ले लेते हैं, ठीक है जी। और ये आपको मशीन तो दिख ही रहा होगा, देखिए ये मशीन है, ये पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मशीन को मेमोरी मोड में लगी है, स्टार्ट। देखिए मशीन रन हो गई, पहले मशीन होम पोजीशन लेगी, उसके बाद मशीन चलेगी। देखिए आज का कुछ इंटरेस्टेड टॉपिक है, सबसे अलग है थोड़ा सा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। स्टार्ट हो गया। एक तरीके से मिलिंग का प्रोग्राम है, जो हम पार्ट में मिलिंग विलिंग करते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम बनाया गया है। तो इसमें हमारा IJK भी यूज हुआ है, G02, G03 भी यूज हुआ है। तो ये सबको कम्बिनेशन करके इस प्रोग्राम को बनाया गया है। और देखिए सी कंप्लीट हो गया, आ गया टी बन रहा है। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस वही थोड़ा सा रेडियस वगैरह के लिए ज़्यादा है। टी में तो कोई एकदम सीधा से सिंपल प्रोग्राम है, लेकिन जो सी बना है और एस बना है इसमें थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं कि घुमाने वुमाने में थोड़ा दिक्कत हुई है। तो वो रेडियस दिक्कत क्या है, कुछ ज़्यादा ना है, बस रेडियस वगैरह समझ लेना है, कितना पे घूम रहा है, कितना एंगल है। तो यही सब चीज़ पे इनको घुमा कर बनाया गया है, कोई तो बड़ी चीज़ नहीं, सब समझ जाइएगा धीरे धीरे, बस देखते रहिए। देखिए ये भी कंप्लीट हो गया। देखिए कितना अच्छा बन गया। तो इधर ला रहे हैं, जूम करके देखिए, CTS खूब मस्त लिखा गया। कैसा लगा वीडियो? तो बताऊंगा इसका प्रोग्रामिंग मैंने कैसे किया, कि जो कि ये बहुत आसानी से कितना अच्छा लिख गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा पिक्चर डायलिंग के बारे में बताऊंगा। तो टॉपिक से थोड़ा ही हट के है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।